यूनिट निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, बर्थडे के डेट का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे यूज डेट, जितने दिन आपने संपत्ति का यूज किया है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डेट डेप आ जाएगा, जितने दिन आपने यूज किया है उतने दिन का डेप का अमाउंट कितना हो जाएगा 9,967। अब आपने यहाँ पे अमाउंट निकाल लिया, अब अपन इसको 1 नवंबर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। संपत्ति परचेज की थी 85,000, 214 दिन यूज किया, 214 दिन का डेप हो गया ये। इस पर ये डेप लाने के बाद अभी ये संपत्ति आपकी कितने में जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप इक्वल लाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे यूज डेट डेप, जितने दिन अपन ने संपत्ति का यूज किया उतने दिन का डेप, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जाना कितने पे चाहिए 75,033। अब आप यहाँ पे निकालते हैं नेट सेलिंग प्राइस, जितने में ये संपत्ति आपकी जा रही है कितना था ना, कितने में जा रही है संपत्ति अपनी 70,000। अब आपको निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको इस संपत्ति पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाते हैं, आप यहाँ पे लेंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे बता देगा कितना लॉस हो रहा है 5,033, क्योंकि अमाउंट किस में आ रहा है माइनस में, निकाल लेंगे इसमें तो डाउट हो तो कुछ नहीं, कर लेंगे। अब अपन चलते हैं डेली पे, आप फर्नीचर परचेस कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को, नगद खरीदा तो एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा फर्नीचर क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, और कैश जा रहा है अल्टे प्लस सी से फर्नीचर से लेजर बना देंगे, आप यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट पर लेजर बना देंगे, अंडर में आ जाइए फील्ड असेट में, एंटर करके से कितने का परचेज किया था 85,000, एंटर करेंगे 2 में आ जाएगा केस, आप इसमें अमाउंट डालते हैं क्रॉस प्राइस वाला कितने में परचेज किया है 85,000, ठीक है आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दी, एंटर करेंगे मेडिसन डालना मेन फर्नीचर परचेज बाय केस, एंटर करके सेल, फर्नीचर परचेज कर लिए। अब आप इसको सेल करने से पहले इस पर डेप लाओ, डेप की एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा डेप अल्टे प्लस सी से डेप का लेजर बनाएंगे, डेप अकाउंट, डेप अकाउंट अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, इसमें अमाउंट आएगा यूज डे डेप, जितने दिन आपने संपत्ति का यूज किया है उतने दिन का डेप कितना है, ये आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 9,967, ठीक है, और 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेप लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं फर्नीचर पे, यहाँ पे आप नेरेशन डाल देंगे बी डेप ऑन फर्नीचर, एंटर करके सेल, डेप लाने के अब आप इस संपत्ति सेल कर रहे हैं, लेकिन आप इसे सेल किसे कर रहे हैं उधार क्वेश्चन था सोहन को उधार फर्नीचर बेचा, तो एंट्री किस में करेंगे जनरल वाउचर में, क्योंकि संपत्ति आप उधार बेच रहे हैं, बाय में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिसको आप उधार बेच रहे हैं अल्टे प्लस सी से सोहन के नाम से लेकर बना देंगे, सोहन से अकाउंट अंडर में आएगा सन्ड्री डेटर्स में, एंटर करके से इसमें अमाउंट आएगा नेट सेलिंग प्राइस वाला कितना था 70,000, और 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेट सॉरी जो अपन सेल कर रहे हैं, ठीक एंटर करके सेल कर दिए, आपने संपत्ति खरीदी उस पर डेप लाया उसे सेल कर दिया, अब आपको इस पे लॉस हुआ था कितने का 5,033 का, तो आप इसी एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट था 5,033, और 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आपको लॉस हुआ है।
एंट्री हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और टू में आ जाएगा फर्नीचर, एंटर करके सेव कर देंगे। और लोग सुनो बोल, क्या बोल रहे हैं आप लोग, फोन करके बोलो। आप माल बेच रहे हैं तो इसकी एंट्री करेंगे एफ एट से सेल्स वाउचर, यहाँ पे आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। नगद माल है बाय में आ जाएगा केस कंट्रोल प्लस एम, अमाउंट कितना था 90,000, 90,000 पे 5% केस डिस्काउंट है मल्टीप्लाई 5/100, अमाउंट आएगा 4,500। 90,000 में से माइनस कर देंगे 4,500, अमाउंट आएगा 85,500। आप केस के सामने लिखेंगे 85,500। टू में आ जाएगा सेल्स, अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव। इसमें आप अमाउंट डालेंगे पूरा 90,000, और बाय में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टा प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। डिस्काउंट अकाउंट ये सेल्स वाला डिस्काउंट है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। इसमें अमाउंट आएगा 4,500, एंटर करके सेव कर दें। अब बैलेंस शीट आ रही है 10,00,000। और इस पे लॉस हो रहा है, नहीं इस पे प्रॉफिट हो रहा है 4,238। सही, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ ली कर लेंगे। अब इसके अभी आप यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, अपन ने संपत्ति खरीदी थी, फिर आपने उस पर डेट लाया उसे सेल कर दी, और आपको जो लॉस हुआ था उसकी आपने एंट्री की। आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, खरीदने से लगी बेचने तक आप उसके चार एंट्री करते हैं, पहले खरीदने की, फिर डेट लाने की, फिर उसे बेचने की, फिर आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपने चार एंट्री की। अब अगर आप ये सब एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करना चाहो तब आप देखते हैं, सबसे पहले आप संपत्ति खरीद लें, आप यहाँ से वाउचर एंट्री पे जाते हैं, संपत्ति अपन नगद परचेस कर रहे हैं, आप एंट्री करेंगे एफ फाइव से पेमेंट वाउचर, बाय में आ जाएगा फर्नीचर, अमाउंट डाल देते हैं सेम वही 85,000, ठीक है। टू में आ जाएगा केस, एंटर करके आपने इसे सेव कर दिया, यही एंट्री की थी अभी अपन ने। फिर इसके बाद आपने इस पर डेप लाया था, इसे सेल किया था, और इस पर आपको लॉस हो रहा था, तीनों एंट्री आपने जनरल वाउचर में की थी। आप एफ सेवन से जाएंगे जनरल वाउचर, सबसे पहले आप इस पर डेप लाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डेप अकाउंट, कितना है इस पर डेप, ये आप यहाँ पे ये अमाउंट डाल देंगे, फिर आप एंटर करते हैं। टू में फर्नीचर आएगा, लेकिन अभी अपन टू में फर्नीचर नहीं लिख रहे। डेप लाने के बाद आप इसको उधार सेल कर, आप इसको यहाँ पे करेंगे फिर से बाय, बाय में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिसको आप ये फर्नीचर सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे थे 70,000, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस, फिर अब आपको इस पे लॉस भी हो रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय में प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का लॉस हो रहा है आपको इस पे 5,033, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे 5,033, और तीनों कंडीशन में फर्नीचर आपका टू में आ रहा था, तो यहाँ पे टू में आ जाएगा फर्नीचर। आप चाहे तो एक साथ तीनों एंट्री एक वाउचर में भी कर सकते और एंटर करके सेव कर देंगे। कर ली, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।